हेलो बच्चा पार्टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3.0, 4.5, -1.4 एंड -2.-1। टेकन इन ऑर्डर। उसके बाद हिंट में रोम्बस का फॉर्मूला गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, हमें यहाँ पे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है और उस रोम्बस की वर्टिसेस के हमें पॉइंट्स गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमें वर्टिसेस गिवन है इनको नेम दे देंगे ए बी सी डी। हम लोग एक ऑर्डर मिलेंगे, उसके बाद हमें रोम्बस का फॉर्मूला गिवन है जो कि होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, और जो डायगनल हैं इस रोम्बस के वो हैं ए सी और बी डी। तो हमें रोम्बस का एरिया निकालने के लिए यहाँ डायगनल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए सी डायगनल को फाइंड करते हैं। डायगनल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे। ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर। अब चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारी 3 माइनस हमारी जो x2 की वैल्यू है वो -1 है, होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस करेंगे। उसके बाद y1 की जो हमारी वैल्यू है वो है 0, उसके बाद माइनस लगाएंगे 4, फिर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे होगा आपका 3 माइनस की वजह से ये +1 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 16 + 16 इज इक्वल टू √32। √32 को हम लोग बच्चों और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 × 2। तो ये हमारा 16 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, वो 4 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि 4 हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4√2। ये सब जो आपका पहला डायगनल ए सी है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग फाइंड करते हैं बी डी डायगनल को। बी डी में डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आपकी x1 की वैल्यू है 4, माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे जो आपकी x2 है की वैल्यू है वो -2 है, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग प्लस लगाते हैं। उसके बाद जो आपकी y1 की वैल्यू है वो है 5 -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आएगा 4, माइनस की वजह से +2 हो जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस का 1 फिर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा 6 का स्क्वायर 36 + 36 इज इक्वल टू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 × 2, और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6√2। अब हम लोग को जो मेन यहाँ पे रोम्बस का एरिया निकालना था, साइड में निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ और ए सी इंटू बी डी। देन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए सी की वैल्यू है 4√2 इंटू होगा यहाँ पे, बी डी की वैल्यू 6√2। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 times। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 24 units।
और यही आपका रोम्बस का एरिया होगा, यही आपका आंसर है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।